ओके अब स्टार्ट करते हैं बेटा। यहां से क्या हमें फाइंड करना है, एक्स साइन इनवर्स आई इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स है, और जो फॉर्मूला होता है हमारा कौन सा होता है, वो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ यू इंटू वी का, बता रहा है एक बार फॉर्मूला बेटा, यू एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन dx of u, ओके इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स और फिर पूरे का डी एक्स, दिस इज अ फॉर्मूला। और एक होता है क्या आपका आईलेट है ना, आईलेट के अकॉर्डिंग क्या होता है बेटा, इसको तो याद रखना, आईलेट आईलेट के अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन हम किसको मानेंगे, बोलिए फर्स्ट फंक्शन ये और सेकंड फंक्शन ये, क्योंकि आई का मतलब इनवर्स फंक्शन, ठीक है ना, आई का मतलब इनवर्स फंक्शन और सेकंड फंक्शन एलजेब्रिक फंक्शन होगा, क्लियर है। एक बार स्टार्ट करते हैं बेटा, आई इज इक्वल टू ये फर्स्ट फंक्शन मीन साइन इनवर्स एक्स एज इट इज, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन dx of sin inverse x into integration of x dx और फिर पूरे का dx whole dx, क्लियर है। यहां तक मैंने फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट कर दी, अब इससे आगे देखते हैं बेटा, I is equal to integration of sin inverse x तो as it is रखना है हमें, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, x square upon 2। या तो कोई डाउट किसी को बताते रहना बेटा, यहां तक कोई डाउट नहीं है ना, तो यहां से माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन साइन इनवर्स एक्स का होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और फिर पूरे का डीएक्स, ठीक है। 1 अपॉन 2 यहां से मैं बाहर ले लूंगा कॉमन, तो यह आ जाएगा साइन इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, यहां से भी 1 अपॉन 2 कॉमन, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर dx, ठीक है। अब बस यहां से क्वेश्चन, असली क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है, इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर ए, क्योंकि अभी आपको ये पूरा तो इंटीग्रेट हो चुका, अभी इसका इंटीग्रेशन चाहिए आपको, इस वैल्यू का इंटीग्रेशन, ठीक है ना, तो इस वैल्यू को आप क्या मान लेंगे हम, आई वन, इसको आई वन मान के बाहर निकाल लीजिए, आई वन इज इक्वल टू है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, ठीक है। अब इसके बारे में सोचो, जो पिछली प्रीवियस एक्सरसाइज आप पढ़ चुके हो उन्हीं के अकॉर्डिंग ये, उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन होगा, बताओ क्या करेंगे यहां से, सोचो। सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने आपको बता के रखा है बहुत अच्छी तरह से, कि जब अंडर रूट मतलब या जब भी इस तरह की फॉर्म हो 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो क्या पुट करते हैं, बताइए क्या पुट करते हैं जब इस तरह की फॉर्म होती है, टी बेटा ध्यान से सोच के बताओ, सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत बार आप पढ़ चुके हो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है बेटा आपकी, x इज इक्वल टू साइन थीटा, मैंने बताया ना जितनी भी आप एक्सरसाइज पढ़ चुके हो उनके अकॉर्डिंग ही आपको अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चन, वो मत भूलो उन चीजों को, क्योंकि अब वो सब चीज रिपीट होंगी। तो हम यहाँ क्या लेते हैं, लेट यहां से स्टार्ट कर लेते हैं ना, लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन थीटा पुट किया तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन करेंगे इसका तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू साइन थीटा का क्या हो जाएगा भाई, कॉस थीटा, और फिर x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, कॉस थीटा dx ओवर d थीटा, तो ये इधर आ जाएगा d थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा भाई, देखो इसका किसके रेस्पेक्ट में कर देंगे हम, थीटा के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं इसका, थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा d
dx ओवर d थीटा और ये हो जाएगा क्या cos थीटा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो ये dx की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या रहेगी cos थीटा d थीटा यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है क्योंकि मैंने जो x is equal to sin थीटा माना है उसका जो डिफरेंशिएशन किया है मैंने थीटा के रेस्पेक्ट में किया है जिससे मुझे मिला क्या dx ओवर d थीटा क्योंकि ओवरऑल मुझे अगर sin थीटा मतलब थीटा में वैल्यू चाहिए तो dx की जगह क्या चाहिए होता था d थीटा तो इसलिए dx को चेंज करने के लिए मैंने इसको क्या कर दिया थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया x का हो जाएगा dx ओवर d थीटा इज इक्वल टू sin थीटा का हो गया cos थीटा और ये इधर जाके dx की वैल्यू क्या होगी cos थीटा d थीटा यहां तक कोई डाउट है तो बताइए बताइए बेटा नो तो आगे चलो आई वन इज इक्वल टू अब देखिए x की जगह मैं क्या रख रहा हूं साइन स्क्वायर तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा x की जगह साइन थीटा तो ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और dx की जगह क्या रखेंगे हम cos थीटा d थीटा आई थिंक यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को ठीक है अब आगे चलते हैं आगे यहां से स्टार्ट कर लेते हैं पहले यहां से कर रहा हूं बेटा यहां से देखना अब इससे आगे i1 is equal to sin integration of sin square theta into cos theta d theta upon अब देखो बहुत ध्यान से ये अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और स्क्वायर से ये अंडर रूट हट जाएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी कॉस थीटा और कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल तो ओवरऑल जो मेरे पास बचा आई वन बचा साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा अब बहुत बार इस इंटीग्रेशन को आप कर चुके हो मुझे बताओ साइन स्क्वायर थीटा का मैं इंटीग्रेशन कैसे करूं बहुत बार कर चुके हो आप बताइए बेटा साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन मैं किस तरह करूंगा जल्दी बताइए फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला हाँ बिल्कुल बहुत बढ़िया इसको आपको पता होना चाहिए कि भाई कॉस टू थीटा का फॉर्मूला बार बार मैं लिख रहा हूं इसको लिख सकते हैं वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा है ना तो टू साइन स्क्वायर थीटा को इधर लाइए टू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस कॉस टू थीटा और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी कितनी वन माइनस कॉस टू थीटा अपॉन टू ये तो आएगी ना ठीक है तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ आई वन इज इक्वल टू वन बाय टू बाहर दे दूंगा मैं वन माइनस कॉस टू थीटा डी थीटा कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा यहां तक अब आगे करते हैं इसको मिटा दूंगा यहां से देखिए बेटा अब अलग अलग करेंगे आई वन इज इक्वल टू वन बाय टू डी थीटा भाई वन डी थीटा आ जाएगा वन डी थीटा और माइनस वन बाय टू कॉस टू थीटा डी थीटा ये कॉस टू थीटा है तो आई वन इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा वन बाय टू इंटू थीटा जैसे x के रेस्पेक्ट में कर देते तो x आता था थीटा के रेस्पेक्ट में तो क्या आएगा थीटा माइनस वन बाय टू कॉस टू थीटा का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन टू थीटा साइन टू थीटा कॉस टू थीटा का हो जाएगा साइन टू थीटा और अपॉन में क्या आएगा अपॉन में आएगा टू और प्लस का फिर क्या लग जाएगा सी अब जो ये I1 की वैल्यू है ये हम कहां रख देंगे I1 की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर वन में रख देंगे पुटिंग इक्वेशन नंबर वन जल्दी से फटाफट रखिए तो यहां पे इसकी वैल्यू रखिए जल्दी से रख के देखिए आंसर क्या आता है और चेक करिए और फिर थीटा की वैल्यू भी हम वापस रिवर्स करेंगे थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी पता है ना यहां से जब मैं थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी हो जाएगी साइन इनवर्स एक्स थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स और फिर हम यहां पे थीटा की वैल्यू भी वापस रखेंगे इज दैट क्लियर करिए जल्दी करिए
किसी को कोई डाउट है तो जरूर पूछना बेटा। ये वैल्यू आई वन की वैल्यू कहां पे रखेंगे हम? इक्वेशन ए में।